वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मजेदार जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड्स, मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने कि मुझसे ये वाला क्वेश्चन पुट किया था, उसका नाम है अमन शर्मा। फ्रेंड्स, उसने मुझसे पूछा था कि सर मेरे को एक फोन परचेज करना है, मेरे पास फ्रेंड्स तीन ऑप्शन है, वीवो V20 और उसके बाद जो हमारे पास आ गया वो है वन प्लस नोट, थर्ड नंबर पर हमारे पास आ गया सैमसंग A71। तो फ्रेंड्स आप इनमें बताओ, उस भाई ने मुझसे पूछा था कि सर आप बताओ कि इनमें से मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वीवो V20 के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो वहां पर हमें 720G का प्रोसेसर मिल रहा है, स्नैपड्रैगन का हमें यहाँ पर प्रोसेसर मिल रहा है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट कैमरा आ जाता है 44 मेगापिक्सल का, और बैक वाला कैमरा हमारे पास तीन कैमरे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का। अगर फ्रेंड्स रैम की बात करें तो रैम फ्रेंड्स हमारे पास आ जाती है 8 GB की रैम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। स्टोरेज फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 128 GB की मिल जाती है, और बैटरी बैकअप की बात करें तो वो हमें यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स सबसे मेन बात करें अगर हम डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिल जाती है 6.44 इंचेस की। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर वीवो V20 के ऊपर मैंने एक पहले से ही ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखी है, अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर फ्रेंड्स मैंने पूरी डिटेल में बताया है वीवो V20 के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें एंड्रॉयड की बात करें तो हमें यहाँ पर एंड्रॉयड 11 यहाँ पर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो होगी फ्रेंड्स वीवो V20 के बारे में बात। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें यहाँ पर 25,000 के करीब मिल जाएगा, इसका प्राइस हमें 25,990 रुपये पड़ेगा, जो कि अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पर यहाँ पर चल रहा है 25,990 रुपये। तो फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं वन प्लस नोड के बारे में, तो फ्रेंड्स वन प्लस नोड की जो लुक है वो हमारे पास देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फ्रेंड्स इसके फ्रंट में 2 कैमरा है और बैक में इसके 4 कैमरा है, टोटल इस फोन में 6 कैमरा है। तो फ्रेंड्स वन प्लस के अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें प्रोसेसर मिल जाता है 765G का, यानी कि वीवो V20 में तो हमें मिल रहा था 720 का। सेम ही परसेंट से यहाँ पर प्रोसेसर है, सेम कंपनी का ही है, वहाँ पर भी स्नैपड्रैगन का था वीवो V20 में भी, और यहाँ पर हमारे पास वन प्लस नोड में भी हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है, बट जहाँ पर हमें 765G का प्रोसेसर मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स फ्रंट कैमरा की बात करें तो वीवो V20 में हमारे पास 44 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर हमारे पास 2 कैमरा है, एक कैमरा तो हमारे पास है 32 मेगापिक्सल का और सेकंड हमारे पास है 8 मेगापिक्सल का, यहाँ पर हमारे पास 2 कैमरा है फ्रंट में। अगर फ्रेंड्स बैक कैमरा की बात करें तो जैसे कि हमारे पास वीवो V20 में था 64 मेगापिक्सल का जो मेन रियल कैमरा था, तो वन प्लस में हमें थोड़ी सी क्वालिटी कम देखने को मिलेगी, इसका कैमरा है हमारे पास 48 मेगापिक्सल का, 4 कैमरा है फ्रेंड्स पीछे इसके, एक 48 मेगापिक्सल का, फिर 8 का, फिर 5 का और फिर 2 मेगापिक्सल का इसमें यहाँ पर कैमरे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर रैम में कंपैरिजन करें तो वहाँ पर हमें वीवो V20 में हमें मिल रही थी यहाँ पर 8 GB की रैम, और यहाँ पर हमें वन प्लस नोट में मिल रही है 12 GB की रैम, वहाँ पर हमें 8 GB की और यहाँ पर हमें 12 GB तक की रैम मिल जाती है। अगर फ्रेंड्स स्टोरेज की बात करें तो वीवो V20 में हमें मिल रही थी 128 GB और यहाँ पर हमें मिल रही है 256 GB की स्टोरेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात करें, हमें यहाँ पर वीवो V20 में बैटरी बैकअप था जो वो मिल रहा था हमें 4000 mAh का, और वहाँ यहाँ पर हमें मिल रहा है 4115 mAh का बैटरी बैकअप। अगर फ्रेंड्स एंड्रॉयड की बात करें तो वहाँ पर हमें मिल रहा था एंड्रॉयड 11, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी इसकी खामी है, यहाँ पर हमें मिल रहा है एंड्रॉयड 10। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको वन प्लस का और वीवो V20 का बता दिया। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे आज के जो हमारे पास लास्ट फोन है उसके बारे में, सैमसंग के फोन के बारे में। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A71 के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो हमें यहाँ पर 6.70 इंच की यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि फोन को बहुत ही अच्छा लुक देने का काम करती है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा Note 9 Pro में आपको कैमरा बिल्कुल स्क्रीन के बीच में मिल रहा है, तो इसी तरीके से आपको इस फोन में भी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स वीवो में हमें मिल रहा था, वीवो V20 में हमें मिल रहा था 44 मेगापिक्सल का, यहाँ पर वन प्लस नोट में हमें मिल रहा था 32+8 का, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ये फ्रेंड्स इन दोनों ही फ़ोनों में कैमरे के मामले में थोड़ा सा कम है,
उसके बाद फ्रेंड्स रियल की बात करें, रियल कैमरे के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें वीवो वी ट्वेंटी में मिल रहा था 64 मेगापिक्सल का कैमरा मेन था जो, और वन प्लस में हमें मिल रहा था 48 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर भी हमें 64 मेगापिक्सल का 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स रैम की बात करें तो वीवो वी ट्वेंटी में हमें यहाँ पर मिल रही थी 8 GB की रैम, वन प्लस में हमें मिल रही थी 12 GB की रैम, और यहाँ पर हमें मिल रही है 8 GB की रैम। तो इनमें रैम के मुकाबले में भी हमारे पास जो वन प्लस नोड है वो सबसे आगे जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो फ्रेंड्स बैटरी बैकअप था वीवो वी ट्वेंटी का 4000 mAh, फ्रेंड्स वन प्लस का था हमारे पास 4115 mAh, और यहाँ पर सैमसंग का है हमारे पास 4500 mAh। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्राइस की बात करें तो इसका फ्रेंड्स प्राइस है हमारे पास 29,500 रुपया में इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। एंड्रॉयड की बात करें तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड 10 देखने के लिए मिल जाएगा। सबके फ्रेंड्स मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, जैसे कि वीवो वी ट्वेंटी का हमारे पास प्राइस है 25,990 रुपये, उसके बाद वन प्लस नोड का हमारे पास प्राइस है 24,990 रुपये, और यहाँ पर हमारे पास सैमसंग A71 का हमारे पास प्राइस है 29,500 रुपया। तो इसमें फ्रेंड्स जो मेरे को सबसे बेस्ट फ़ोन लगा वो मेरे को लगा वन प्लस नोड, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो इसमें हमें रैम ज़्यादा मिल रही है, सेकंड बात करें प्रोसेसर की, प्रोसेसर हमें यहाँ पर 765G मिल रहा है, और उसके बाद फ्रेंड्स कैमरे में तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें है। बैटरी बैकअप भी फ्रेंड्स इसका यहाँ पर हमें ठीक मिल रहा है, 4115 mAh की बैटरी मिल रही है, और फ्रेंड प्राइस भी इसका ठीक है 25,000। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मेरे और भी भाइयों को ऐसी नॉलेज मिले तो आप इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।